उज्जैन में कोरोना वायरस का संदेही मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। मरीज छात्र और उसकी मां को शासकीय माधव नगर चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है और ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए पुणे भेज दिया गया। दरअसल चाइना से भारत लाने वाले लोगों को जांच के लिए एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके पहले ही छात्र भारत लौट आया था। इसके लिए जाँच नहीं हो पाई थी, जो कि अब उज्जैन के शासकीय चिकित्सालय में की जा रही है। छात्र उज्जैन के महानंदा नगर में रहता है, जो कि चाइना से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और 13 जनवरी को भारत लौटा है। यहाँ छात्र चाइना के वुहान शहर में रहता था और इसी शहर का यह वायरस शुरू हुआ है, इसलिए यह मामला काफी संदिग्ध माना गया है। डॉक्टर की टीम अब मां बेटे पर 28 दिन तक रखेगी नजर। जिला कलेक्टर ने चिकित्सालय पहुंचकर मरीज के विषय में जानकारी ली और विशेष नजर रखने के लिए निर्देश दिए हैं। हालांकि जांच रिपोर्ट आने पर कोरोना वायरस का खुलासा हो पाएगा। चाइना से भी ये आए थे, तो अब कोरोना वायरस का ज़्यादा स्प्रेड है, इसलिए उनको इंटेंशनल क्वारंटाइन के तहत यहाँ पर रखा गया है। और जो भी सीनियर डॉक्टर हैं वो उनको देख रहे हैं और वो जो हमें आदेश दे रहे हैं उसके हिसाब से हम उनका ट्रीटमेंट जो भी है हम समय समय पर कर रहे हैं। कब से भर्ती है ये यहाँ पर? तो कल आए थे दोपहर में। क्या नाम? मेरा नाम रंजिता जायसवाल। अभी मुझे सस्पेक्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं चाइना के वुहान शहर में पढ़ रहा था। इंडियन गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के रिपोर्ट्स आज आ जाएंगी शाम तक, और फिर उसके बाद मुझे जो भी आएगी नेगेटिव आएगी रिपोर्ट, उसके बाद यहाँ से रिलीव कर देंगे। आप चाइना से कब आए? मैं चाइना से आया था 13 जनवरी को, और उसके पहले मैं 11 जनवरी को चीन के वुहान शहर से निकल चुका था। और मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मुझ में उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं है, पर फिर भी गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है। आपको बीमारी के बारे में कब मालूम पड़ा? अभी क्या हो रहा है आपको? कोई सिम्टम्स नहीं है, बहुत मामूली से सिम्टम्स भी नहीं थे, पर स्क्रीनिंग टेस्ट करना था और गवर्नमेंट का ऑर्डर था, क्योंकि ये पूरा इंटरनेशनल मुद्दा हो जाता है, इसलिए तो अभी बस सर्वप्रथम वो अभी ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि वो कोरोना वायरस का केस है, ये भी नहीं बोल सकते कि वो सस्पेक्टेड केस है। वो अफेक्टेड रीजन से क्योंकि यहाँ लौटा है, इसलिए एहतियातन हम लोगों ने उनका सैंपल लिया है और जब तक क्लैरिटी नहीं हो जाती है तब तक उनको हॉस्पिटल में रखा है। उनके साथ उनकी मदर को भी? हाँ, क्योंकि वो उनके साथ हैं तो इसलिए एहतियातन उनको भी रखा गया है। आसपास के लोगों की आसपास के लोग उनको एहतियात के तौर पर उनको बताया गया, समझाया गया कि क्या एहतियात बरतने हैं, और अगर ऐसे कोई सिम्टम कोई व्यक्ति में देखने में आए तो तुरंत रिपोर्ट करें, ये बताया गया है।